हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आपका क्लिनिकल केस बेस्ड क्वेश्चन, यानी आपका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, या फिर प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन कहें, या फिर स्किल बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपके एम्स नर्सेट में इस बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपका कि नर्सिंग के द्वारा प्रायोरिटी एक्शन क्या हुई, या इमरजेंसी कंडीशन क्या होगी, कौन सी मेडिसिन दी जाएंगी। ये सारे आपका यानी कि प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाएगा। इस चैनल पे आपको काफी सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपका क्लिनिकल केस बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड बने हुए हैं, जो आपका ओबीजी का है, एमएसएन का है, एंड आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की है, और आपका 3-4 सब्जेक्ट से इसमें किए गए हैं जो आप लोग के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एंड आपका पीडियाट्री का है। ठीक है, तो आज हम इसमें और अपलोड कर रहे हैं एमएसएन का, जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, इसके 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट आज हो रही है, देन सेकंड पार्ट नेक्स्ट दिन में आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट डे में। एंड मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो मेरे चैनल पे जितने वीडियो हर ईयर, यदि आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तभी भी 2-3 दिन टाइम है आपके पास, पूरे वीडियो को वॉच कर लीजिए। जो पहले आपका सारे वीडियो अपलोड की गई है, स्टार्टिंग से सारे के सारे प्रीवियस ईयर का पेपर अपलोड किए गए हैं। अभी कुछ 1 वीक से जो अपलोड कर रही हूँ, ये सारा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। बाद बाकी पहले का जो वीडियो है मेरे चैनल पे, सारे आपका प्रीवियस ईयर का पेपर ही लिया गया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया, एन अडल्ट क्लाइंट विथ एचआईवी इन्फेक्शन, क्लाइंट विथ एचआईवी इन्फेक्शन हैज बीन गिवेन या ट्रीटमेंट विथ इफावीरेंस, द नर्स एक्सपेक्ट्स दिस ड्रग टू बी गिवेन अलोंग विथ एमेट्रीसिटाबिन एंड टेनोफोविर एज अ कॉम्बिनेशन, जो एट्री पैला ड्रग कहते हैं। द रीजन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग दिस कॉम्बिनेशन इज टू, क्या रीजन था जो कि आपका कॉम्बिनेशन ड्रग में एडमिनिस्टर करना है, वो आपका क्या है। पेशेंट अडल्ट पेशेंट है, अडल्ट क्लाइंट है, जिसको एचआईवी की इन्फेक्शन हुई है, और उसको क्या दिया जा रहा ट्रीटमेंट में, साथ में आपको आपका इफावीरनेज, ठीक है ना। देन आपका यहाँ पे कॉम्बिनेशन में दिया जा रहा एट्रीपेला, जिसमें आपका क्या क्या है, कौन कौन सा है, टेनोफोविर है आपका, एंड आपका इमेट्रीसिटाबिन है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्रिक, देखिएगा, कॉमोरबिटीज एंड एवॉइड डिजीनेस, एडेशन एंड नाइटमेयर्स, एंड सी में रिड्यूस वायरल रेजिस्टेंस, या फिर कंट्रोल सीवियर रैश एंड हेपाटोटॉक्सिसिटी, इसके लिए दी जा रही है कॉम्बिनेशन ड्रग, क्या रीजन के कारण। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, तो इसमें राइट आंसर जो होगा, रिड्यूस वायरल रेजिस्टेंस, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। इसमें जो दिया गया एट्रीपिला, जो देखे हम लोग, इज अ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन टैबलेट होता है, कंटेनिंग कौन कौन सा होता है इसमें मिला हुआ, इफारिविनेज एंड इमेट्रीसिटाबिन एंड टेनोफेविर, ये तीनों का तीनों किसमें होता है आपका, इसमें मिला हुआ था, कॉम्बिनेशन टैबलेट है। द एक्चुअल रीजन फॉर यूजिंग कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट इज टू रेड्यूस वायरल रेजिस्टेंस, जो भी वायरल होगा उसको क्या करना है, रेड्यूस कम करने के लिए दी जाती, यूज किया जाता है। एट्रिपेला जो है इज नॉट अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन, ये आपका नॉट अप्रूव बताया कि एट्रिपिला जो ड्रग है, जो कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट है, ये टैबलेट है, जो आपको एचआईवी क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन में आप यूज नहीं कर सकते, नॉट अप्रूव्ड फॉर ट्रीटमेंट बताया है ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसमें नहीं यूज करना है एट्रिपिला कॉम्बिनेशन टैबलेट, तो आपका किसमें आपको राइट आंसर करना होगा, हाँ, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस रहा ऑप्शन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया है, 35 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट्स कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड ब्लोटिंग, क्या है आपका, 35 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट्स है, कंप्लेन किया है ऑफ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड ब्लोटिंग, ऑन एग्जामिनेशन द नर्स फाउंड लीकेज ऑफ वाटर स्टूल फ्रॉम हिज रेक्टम, द नर्स इज अवेयर दैट दिस कुड बी अ पॉसिबल साइन ऑफ, जो नर्स है क्या अवेयर पूछा गया है, कुड बी अ पॉसिबल साइन ऑफ, क्या हो सकता है, तो इनटू सस्पेंशन, या फिर बावल इनकंटिनेंस, या फिर फीकल इम्पेकेशन, या फिर कॉन्स्टिपेशन,
चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। मेल पेशेंट्स है जो कंप्लेन लेकर आया आपके पास एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड ब्लॉटिंग का, एग्जामिनेशन करने के बाद यदि फाउंड लीकेज ऑफ वाटर यदि पाया गया आपको क्या कि वर्टिगो डिस्चार्ज हो रहा है, स्टूल वाटर स्टूल हो रहा है फ्रॉम रेक्टम से, तो नर्स के द्वारा अवेयर पॉसिबल साइंस कौन सा होना चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन सी आएगा, फीकल इम्प्लीकेशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फीकल इम्प्लिकेशन इज अ सीवियर बाउल कंडीशन इन विच या हार्ट ड्राई मास ऑफ स्टूल गेट्स स्टक इन द कोलोन और रेक्टम। फीकल इम्प्लिकेशन कैन बी सीरियस। फीकल इम्प्लिकेशन कैन कॉज अ रेंज ऑफ सिम्टम्स विच इंक्लूड्स लिक्विड स्टूल लीकिंग होगा फ्रॉम द रेक्टम से, पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा इन द एब्डोमिन में, नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग होगी, एब्डोमिनल ब्लोटिंग होगा एंड फीलिंग क्या होगा उसका नेटिव पोज। तो ये इसमें सिम्टम्स दिए गए। राइट आंसर आपका क्या हुआ, फीकल इम्प्लिकेशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं आपके एग्जाम के लिए, काफी हेल्पफुल होगा आपको, मददगार मिलने वाली है वीडियो से। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, आप पेशेंट या डायग्नोस्ड विद क्रोन्स डिजीज एंड कोलोस्टोमी वाज परफॉर्म एज एन इंटरवेंशन, परफॉर्म एज एन इंटरवेंशन व्हाइल असेसिंग द न्यू स्टोमा, द नर्स सस्पेक्ट्स दैट द स्टोमा हैज रिट्रैक्टेड। स्टोमा हैज क्या हुआ, रिट्रैक्टेड, जब सस्पेक्ट कर सकते हैं नर्स के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स बाय द नर्स वुड सजेस्ट दैट द स्टोमा हैज रिट्रैक्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग बाय द नर्स, क्या निम्नलिखित में से कौन सा फाइंडिंग किया गया नर्स के द्वारा और क्या सजेस्ट किया गया किसके बारे में, आपका हैज रिट्रैक्टेड, स्टोमा हैज रिट्रैक्टेड के बारे में। उसको पहले डायग्नोज किया गया क्रोन्स डिजीज एंड क्लोस्टोमी वॉज परफॉर्म इंटरवेंशन हुआ है। तो आपका नैरोड एंड फ्लैटेड स्टोमा, या स्टोमा अपीयर्स पिंकिश रेड एंड मॉइस्ट, या फिर कॉनकेव एंड बाउल शेप्ड स्टोमा, या फिर स्टोमा अपीयर्स रेडिश पर्पल एंड ड्राई। चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर क्या आएगा आपका, तो राइट आंसर जो होगा इसमें कॉनकेव एंड बाउल शेप स्टोमा। क्या हो रहा, कॉनकेव एंड बाउल शेप्ड स्टोमा। यहाँ पे दिया गया है रिट्रैक्टेड स्टोमा हैज अ कॉनकेव, क्या होता है यह कॉनकेव बाउल शेप रिट्रैक्शन होता है, काउज या पुअर पॉचिंग सरफेस लीडिंग टू फ्रीक्वेंट पर्सिस्टोमल स्किन कॉम्प्लिकेशन। फ्रीक्वेंटली बार बार होगा क्या स्किन कॉम्प्लिकेशन। अ हेल्दी स्टोमा इज पिंकिश रेड एंड मॉइस्ट होता है, हेल्दी स्टोमा जो रहेगा कौन सा कलर का रहेगा, पिंकिश रेड एंड मॉइस्ट। और नैरोड और कंस्ट्रिक्टेड और फ्लैटेड स्टोमा इज अ साइन ऑफ स्टेनोसिस, साइन ऑफ किसका होगा, स्टेनोसिस। नैरोइंग ऑफ द स्टोमा इज अ लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्टोमा, अ ड्राई एंड रेडिश पर्पल स्टोमा इंडिकेट इसेमिया, इंडिकेट इसेमिया। यहाँ पे जो ऑप्शंस में दिए गए हैं डियर, नैरो एंड फ्लैटेड स्टोमा एंड आपका स्टोमा अपीयर पिंकिश रेड एंड मॉइस्ट एंड स्टोमा अपीयर रेडिश पर्पल एंड ड्राई, ये सारे के बारे में यहाँ दे दिया गया। रेडिश ड्राई पर्पल कलर का रहेगा तो इसेमिया को इंडिकेट करेगा, नैरोइंग रहेगा स्टोमा तो किसको, आपका कॉम्प्लिकेशन ऑफ या स्टोमा लेट कॉम्प्लिकेशन किसके लिए, स्टोमा के लिए है। देन आपका नैरोड रहेगा, कंस्ट्रिक्टेड रहेगा तो किसके लिए साइन होगा, आपका स्टेनोसिस का होगा। तो सारों के बारे में यहाँ पे रैशनल दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नर्स रम्या इज प्रिपेयरिंग ए 45 इयर्स ओल्ड मेल क्लाइंट फॉर गैस्ट्रेक्टोमी सर्जरी, क्या है गैस्ट्रेक्टोमी सर्जरी। तो यहाँ पे क्या 45 इयर्स ओल्ड मेल है क्लाइंट, द पेशेंट देखिएगा अप्रिहेंसिवली आस्क द नर्स अबाउट द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ गैस्ट्रेक्टोमी, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन पूछा गया। देखिएगा इसमें क्या जटिलताएं हो सकती है सर्जरी के बाद या सर्जरी के दौरान। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज बाय द नर्स इज एप्रोप्रिएट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज बाय द नर्स इज एप्रोप्रिएट। तो ऑप्शन सी में डंपिंग सिंड्रोम है, बी में क्ले कलर स्टूल है, सी में है रिबन लैक स्टूल एंड डी में है आपके पास जॉन्डिस। चार ऑप्शन में डियर राइट आंसर इसमें क्या आएगा, राइट आंसर इसमें क्या आएगा आपका, तो ऑप्शन इसमें जो होगा डंपिंग सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे इन डंपिंग सिंड्रोम द स्टोमेज एपिटाइट इज कंटेन्स इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ड्यूटेनम, देखिएगा फास्टर देन नॉर्मल। तो डंपिंग सिंड्रोम इज ऑल्सो नॉन एज क्या होता है, रैपिड गैस्ट्रिक इम्पर्टिंग,
rapid gastric emptying, the sudden influx of food into the intestine causes a lot of fluid to move from bloodstream into intestine. This extra fluid causes diarrhea and bloating. This extra fluid कारण क्या हो सकता है? डायरिया और ब्लोटिंग भी हो सकता है. राइट आंसर इसमें क्या है? डंपिंग सिंड्रोम. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव नंबर क्वेश्चन. देखिएगा, अ 45 इयर्स ओल्ड पेशेंट विद फ्रीक्वेंट जीआई डिस्टरबेंस, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल से क्या हो रहा है? डिस्टरबेंस हो रहा है बार बार. वो भी 45 साल का एक ओल्ड पेशेंट है. अपीयरेंसिव ए बॉट डेवलपिंग या देखिएगा कोलोरेक्टल कैंसर. क्या है? कोलोरेक्टल कैंसर डेवलप हो रहा है. ही अप्रोच या नर्स रिगार्डिंग डायटरी रिकमेंडेशन. आपका देखिए यहाँ पे कैंसर भी रियल. क्या कोलोरेक्टल कैंसर है? कौन सा डाइट रिकमेंडेड करेंगी नर्स के द्वारा किया जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटरी रिकमेंडेड इज रिकमेंडेड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कोलोन कैंसर, जिसको हम कोलोन कैंसर से बचा सकते हैं, रोक सकते हैं उसका रिस्क से. तो टेक लो फाइबर एंड लो रेसिडुअल फूड रेगुलरली, या अवॉइड होल ग्रेन इन द डाइट, या फिर एड मोर ग्रीन वेजिटेबल सच एज ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर इन द डाइट, या फिर टेक डाइट विच इज हाई इन रेड मीट. चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन दिया गया है. इसमें आपका राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर इसमें क्या आएगा? तो ऑप्शन इसमें जो होगा सी आएगा. ऐड करना है मोर ग्रीन वेजिटेबल सच एज देखिएगा ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर इन द डाइट में लेना जरूरी है. तो यहाँ पे हाई फाइबर डाइट डैट इंक्लूड्स लॉट्स ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स हैव बीन लिंक्ड विद या डिक्रीजेस रिस्क ऑफ कोलोन और रेक्टल कैंसर. इंक्रीज कंजुम्पशन ऑफ रेड मीट लैम्ब बीफ एंड पोर्क इज एसोसिएटेड विद रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर. ये बहुत ज्यादा कर सकते थे ये सब ले तो, ठीक है ना. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा सिक्स नंबर क्वेश्चन जो है आपका. मिस्टर राजकुमार इज अ क्रोनिक अल्कोहलिक हु कम्स टू द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट विद कंप्लेन ऑफ वीकनेस एंड एनोरेक्सिया. यहाँ पे क्या हुआ कि राजकुमार है जिसका क्रोनिक अल्कोहलिक, अब लंबे समय से अल्कोहल ले रहा है, विद कम्स टू द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आया है विद कंप्लेन. क्या कर रहा है? आपको वीकनेस उसको फीलिंग हो रही है और उसको एनोरेक्सिया लग रहा है. His physical assessment show abdominal distension, dull pain in the right upper quadrant, pale conjunctiva भी है उसका, and hepatomegaly. ये सारे प्रॉब्लम आपको क्या हो रहा है जब आप फिजिकल असेसमेंट कर रहे हैं तो आपको शो हो रहा है. द नर्स अंडरस्टैंड विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मिस्टर राजकुमार. नर्स समझ जाती है कि इसके लिए कौन सा टेस्ट जो होगा चार ऑप्शन में तो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे क्या क्या हमने देखा इसका फिजिकल असेसमेंट, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, डल पेन इन द राइट अपर क्वाड्रेंट में, पैलर कंजक्टिवा देखे एंड हेपेटोमेगली देखे, है ना. ये सब मिला हमें. तो चार ऑप्शन दिया गया, अल्ट्रासोनोग्राफी, बायोप्सी, ब्लड बायोकेमिस्ट्री एंड कोलोनोस्कोपी. तो कौन सा ऑप्शन होगा जो इसमें नहीं? क्या द नर्स अंडरस्टैंड विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मिस्टर राजकुमार. तो राइट आंसर जो होगा डियर इसमें देखिएगा ऑप्शन डी आएगा, कोलोनोस्कोपी. अ पेशेंट शो द क्लिनिकल फीचर रिलेटेड टू लीवर डिजीज, लीवर से प्रॉब्लम की अल्कोहल ले रहा हो, हैंस टू कंफर्म द कंडीशन अल्ट्रासोनोग्राफी, बायोप्सी एंड ब्लड टेस्टिंग आर रिलेवेंट, वेयर एज द कोलोनोस्कोपी इज नॉट रिलेवेंट टू डायग्नोसिस द लीवर कंडीशन, रेदर इट इज यूज टू रूल आउट द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द लार्ज इंटेस्टाइन. किसके लिए होगा? लार्ज इंटेस्टाइन या कोलोन कैंसर के लिए, ठीक है ना. तो यहाँ पे जो कोलोनोस्कोपी की बात किया है तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी आया, ये नहीं होगा टेस्ट. बाद बाकी हमारा बायोप्सी करवा सकते हैं, ये अल्ट्रासोनोग्राफी, बायोप्सी, ब्लड बायोकेमिस्ट्री, ब्लड टेस्ट भी होगा उसका. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स. यहाँ पे ए देखिएगा, द पेशेंट वाज डायग्नोस्ड विद अस्टेज सेकेंड लिवर कैंसर. अस्टेज क्या है? सेकेंड लिवर कैंसर. द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर दिस पेशेंट इज लिवर कैंसर से रिलेटेड है दियर. प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर दिस पेशेंट इज द फ्लूड वॉल्यूम एक्सेस, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, इम्पेयर स्किन इंटेग्रिटी एंड डिस्टर्ब बॉडी इमेज. यहाँ पे क्वेश्चन में कि पेशेंट वाज डायग्नोस्ड विद स्टेज सेकेंड लिवर कैंसर में, स्टेज सेकेंड में है आपका. प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर दिस पेशेंट के लिए क्या होगा?
राइट आंसर इसमें इम्बैलेंस न्यूट्रिशन होना चाहिए। क्या होगा? इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, यानी कि बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। यहाँ पे देखिएगा, द क्लाइंट विद कंडीशन इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट एंड प्रोसेस द फूड मटेरियल्स एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, हेंस ही एक्सपीरियंस वेट लॉस एंड पुअर मसल टोन। दस द प्रायोरिटी नर्सिंग केयर प्लान शुड बी फोकस ऑन इम्बैलेंस न्यूट्रिशन विच इज लेस देन द बॉडी रिक्वायरमेंट। तो राइट आंसर इसलिए क्या हुआ? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिएगा, मिस्टर रूमा 27 इयर्स ओल्ड हैज फीवर एंड पेन इन द राइट अपर क्वाड्रेंट दैट इंक्रीजेस ऑन हिटिंग फैटी फूड एंड एनोरेक्सिया। डाइट क्या बताया? इंक्रीजेस ऑन ईटिंग फैटी फूड एंड एनोरेक्सिया। सी इज रिसेंटली डायग्नोज विथ कोलीथियासिस ऑन एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। द नर्स एक्सप्लेन टू द पेशेंट फूड विच सी एवॉइड टेकिंग इट। यहाँ पे डायग्नोज किया गया रिसेंटली में तो क्या मिला? विथ कोलीथियासिस एंड एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड किए गए तो नर्स के द्वारा क्या एक्सप्लेन किया जाएगा, कौन सा फूड को एवॉइड करना है? तो पोटैटो, राइस, ब्रेड या फिर चीज, चार ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो ऑप्शन बी आएगा, चीज। द पेशेंट विथ कोलीथियासिस आर एडवाइज नॉट टू टेक फूड विथ हाई फैट कंटेंट सच एज जैसे डायरी प्रोडक्ट्स लाइक बटर, चीज एंड घी, ये सब इसको बिल्कुल भी नहीं लेना है। शुड अवॉइड फ्राइड फूड भी, बिकॉज दिस फैटी फूड्स विल फर्दर वर्सन द कंडीशन एंड रिजल्ट इन सीवियर पेन टू द पेशेंट। अदर लिस्टेड फूड आइटम्स आर एप्रोप्रिएट फॉर द क्लाइंट टू कंज्यूम। और जो है इसमें ऑप्शन भी, ये सब वो ले सकता है, ठीक है ना, ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखेंगे, अ मेल पेशेंट इज एडमिटेड विथ एडिसन डिजीज। देखिएगा, लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट reveals low aldosterone, low aldosterone. The patient is high doses of corticosteroid. किसके वजह से? कॉर्टी, देखिएगा, स्टेरॉइड्स। The nurse is planning for your health teaching on dietary modification. The nurse is aware that the following dietary modification is not recommended for this patient. यहाँ पे पेशेंट को एडमिट किया गया और उसके क्या है, साथ में एडिसन डिजीज है और लेबोरेटरी टेस्ट में रिपोर्ट रिवेल्स लो एल्डोस्ट्रोन हार्मोन। तो ये पेशेंट जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, हाई डोज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहा था पेशेंट। द नर्स इज प्लानिंग फॉर द हेल्थ टीचिंग डायट्री मॉडिफिकेशन। जब किया गया नर्स के द्वारा प्लान किया गया किसके लिए? डायट्री मॉडिफिकेशन। तो डायट्री मॉडिफिकेशन नॉट रिकमेंडेड, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से जो उसको लेना जरूरी नहीं है, उसका रिकमेंडेड नहीं करेगी नर्स के द्वारा, रिकमेंडेड नहीं किया जाएगा। हाई कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम रिच फूड, फूड रिच इन विटामिन डी या सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट, कौन सा आएगा इसमें ऑप्शन? तो राइट आंसर, सोडियम को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, सोडियम डाइट बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्ट करना है। सोडियम शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड इन अ पेशेंट विथ लो एल्डोस्टेरोन, इसमें हाई एल्डोस्टेरोन लेवल है, अदर लो एल्डो को आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। अ पेशेंट विथ एडिसन डिजीज यानी कि एड्रेनल इनसुफिशियंसी नीड्स टू टेक एडिक्वेट सोडियम टू प्रिवेंट एक्सेस फ्लूड लॉस एंड टू मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हाई डोज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर लिंक्ड टू अ हायर रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, सो कैल्शियम एंड विटामिन डी रिच डाइट इज रिकमेंडेड। नाउ पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू हैव डाइट रिच इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इसलिए इसमें राइट आंसर क्या हुआ? सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाई है, यहाँ पे दिया गया है रिवील्स लो एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, 58 इयर्स ओल्ड मेल पेशेंट विथ क्रोनिक रीनल फेल्योर इज या हेमोडायलिसिस, ही इज एडवाइज टू डू पेरिटोनियल डायलिसिस एट होम। घर में ही क्या हो रहा है? पेरिटोनियल डायलिसिस। व्हाइल टीचिंग द पेशेंट अबाउट हाउ टू परफॉर्म पेरिटोनियल डायलिसिस द नर्स इंस्ट्रक्ट टू अवेयर द डायलिसिस, देखिएगा, डायलाइजिंग सॉल्यूशन टू 37 डिग्री सेल्सियस। द प्राइमरी रीजन बिहाइंड वार्मिंग द डायलाइजिंग सॉल्यूशन इज टू, प्राइमरी रीजन बिहाइंड वार्मिंग द डायलाइजिंग सॉल्यूशन इज टू, द रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी सेल्स या एब्डोमिनल मसल्स या फिर यहाँ पे है डियर आपका रिलैक्स, रिलैक्स द एब्डोमिनल मसल्स, देन डायलेट पेरिटोनियल ब्लड वेसल्स
एंड डी में आपके पास है मेंटेन या कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर क्या होगा? रिलैक्स द एब्डोमिनल मसल्स, चार ऑप्शन है यहाँ पे। राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन सी आएगा, डायलेट पेरिटोनियल ब्लड वेसल, सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे वार्मिंग द डायलेजिंग सॉल्यूशन टू 37 डिग्री सेल्सियस हेल्प इन द डायलेशन ऑफ पेरिटोनियल ब्लड वेसल विच इम्प्रूव्स द रेट ऑफ यूरिया क्लियरेंस। वार्म सॉल्यूशन ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ कोल्ड एंड मेंटेन बॉडी। हाउएवर द प्राइमरी रीजन इज टू डायलेट पेरिटोनियल ब्लड वेसल्स। सी ऑप्शन इसके अनुसार में राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 60 इयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट हु इज एडमिटेड फॉर मोर देन 2 वीक्स इंटेस्टाइन केयर यूनिट हैज डेवलप्ड अ प्रेशर अल्सर। क्या है? प्रेशर अल्सर्स ऑन द सैक्रल रीजन। द नर्स असेस द साइट ऑफ प्रेशर अल्सर एंड ऑब्जर्व दैट द वाउंड एक्सटेंड्स थ्रू द डर्मिस इनटू फैटी सबकुटेनियस टिश्यू बट द बोन एंड टेंडर्स आर नॉट विजिबल। बट लेकिन क्या है, बोन और टेंडर्स आर नॉट विजिबल। द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज विल द नर्स असाइन द प्रेशर अल्सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछेगा। बेड सोर्स से आपका स्टेजेस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्या स्टेज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कौन सा आएगा? राइट आंसर इसमें क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर क्या आएगी? इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी आएगा, यानी कि थर्ड स्टेज में है, क्योंकि इसका बोन भी विजिबल नहीं हो रहा है। देखिए, अगर साइन ऑफ स्टेज थर्ड वाउंड द वाउंड एक्सटेंड थ्रू द डर्मिस, यानी कि सेकेंड लेयर ऑफ द स्किन, इनटू द फैटी सबकुटेनियस बिलो द स्किन, टिश्यूज, बोन, टेंडन एंड मसल्स आर नॉट विजिबल। पॉसिबल साइन ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूड रेडनेस अराउंड द एज ऑफ द सोर, पस, ऑर्डर, फीवर और ग्रीनिश ड्रेनेज फ्रॉम द एंड पॉसिबल नेक्रोसिस बैक डेड टिश्यू। बैक यहाँ पे सोर है, SORE, सोर, ठीक है ना? सोर एंड पॉसिबल नेक्रोसिस, यानी कि ब्लैक डेड टिश्यूज। तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन कौन सा आया? सी आया, स्टेज यानी कि थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पे दिया गया मिस्टर, देखिएगा, मिसेस रजनी 30 इयर्स ओल्ड फीमेल, मिसेस रजनी 30 इयर्स ओल्ड फीमेल सफर विथ डीप पार्शियल थिकनेस बर्न्स ऑन द फ्रंट एंड बैक ऑफ बोथ लेग्स। देखिएगा क्या है, सफर किसे कर रही है वो, कि रजनी जो 30 इयर्स ओल्ड फीमेल है, 30 साल के फीमेल है, सफर कर रही है डीप पार्शियल थिकनेस बर्न्स ऑन द फ्रंट एंड बैक ऑफ द बोथ लेग्स, ठीक है, एंड एंटीरियर ट्रंक। कैलकुलेट द बर्न एरिया यूजिंग द रूल ऑफ 9। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, रूल ऑफ 9 आप लोगों को एक बार देख लेना है कि इस जगह में कितना परसेंटेज आते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा। राइट आंसर इसके अनुसार क्या होना चाहिए? 27%, 36% या फिर 45%, या फिर आपका क्या है 45%, या फिर आपका क्या है 54%। चार ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें क्या आएगा आपका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा डियर, पूछा जाएगा, डेफिनेटली एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका? ऑप्शन होगा 54%, यानी कि डी इज करेक्ट आंसर, डी आंसर इसमें राइट होगा, डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। यहाँ पे देखिएगा, इन द गिवन पेशेंट द हेड अकर ओवर द फ्रंट एंड बैक ऑफ द बोथ लेग्स अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 9 इज कंप्लीट लेग ऑक्यूपाइज 18%, हैंस फॉर द बोथ लेग इट वुड बी 36% एंड फ्रॉम द एंटीरियर ट्रंक इट कवर 18%, हैंस द टोटल बर्न एरिया वुड बी 36 + 18, यानी कि 54%। कितना हुआ आपका? 54%, ठीक है ना? अभी आपका इसमें राइट आंसर आपका हो गया डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फ्लूड सूट द नर्स एक्सपेक्ट टू प्रिपेयर एंड एडमिनिस्टर एज फ्लूड रिससिटेशन ड्यूरिंग द इमरजेंट फेज ऑफ रिकवरी? विच टाइप ऑफ फ्लूड सूट द नर्स एक्सपेक्ट टू प्रिपेयर एंड एडमिनिस्टर एज फ्लूड रिससिटेशन ड्यूरिंग द इमरजेंट फेज ऑफ रिकवरी? तो कोलॉइड्स या फिर देखिए क्रिस्टलॉइड्स या फिर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या पैक्ड रेड ब्लड सेल या पैक रेड ब्लड सेल, चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन देखिएगा, बी आएगा क्रिस्टलॉइड्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए, द पर्सन अंडरगोन बर्न इंजुरी नीड्स अ प्रायोरिटी एक्शन ऑफ फ्लूड रिससिटेशन रादर देन प्रोवाइडिंग ब्लड प्रोडक्ट्स, hence the crystalloids such as ringer lactate and NS should be administered for fluid resuscitation and the blood products like colloids are not appropriate for the full fluid management. Option C was ke anusar bhi crystalloids. Option B is correct. Answer B. Next hai, the weight of Mr. Rajni 63 kg using the Parkland formula. The nurse calculate the total amount of ringer lactate that will be given over the next 24 hours. Next 24 hours. चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? 13,608, 12,000 यहाँ पे 200 एंड 8,625 एंड 6,789 ml. चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर इसमें क्या होगा? है, वो भी आपके पार्कलैंड फार्मूला के अनुसार टोटल अमाउंट ऑफ रिंगर लैक्टेट विल बी गिवन ओवर द नेक्स्ट 24 आवर की बात किया है। राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन 13,608 ml होगा, इसमें ऑप्शन ये आएगा करेक्ट आंसर। Hence, the client weighed 63 kg. Therefore, according to the Parkland formula, 4 ml should be multiplied with the percentage of burned surface area. And the weight of the client, here the calculate burn surface area is 54% at the weight is 63 kg. कितना हो रहा 63 kg, यानी कि यहाँ कैलकुलेट करना बर्न सरफेस एरिया को 54% एंड द वेट 63 kg, therefore would be 4 into 54 into 63 आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4 into 4 ml है, उसके बाद into 54 and into 63. तो 13,608 ml fluid should be administered over next 24 hour. Out of these, half of the fluid needs to be administered in the first 8 hours and remaining half in the next 16 hours. तो यहाँ पे इसलिए right answer जो हुआ क्या हुआ 13,608 ml. Next है 42 years old woman with cancer of breast underwent mastectomy. जैक्सन देखिएगा, पैरेट ड्रेन इज प्लेस टू हेल्प इम्पर्टी एक्सेस फ्लूड फ्रॉम द ओड साइट ओन साइट आफ्टर इम्पर्टिंग जैक्सन प्रेट बल्ब द नर्स नीड्स टू रिस्टेब्लिश द नेगेटिव प्रेशर इन द सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज रिक्वायर्ड टू रिस्टेब्लिश नेगेटिव प्रेशर? क्या है? 42 ईयर्स ओल्ड फीमेल है जिसका ब्रेस्ट कैंसर अंडरवेंट मैसेक्टोमी. The Jackson Pratt drain is a place to help empty excess fluid from the wound site. तो देखिएगा, place the bulb lower than chest level. B में है fill the bulb with normal saline. C में compress the bulb and open the valve. D में compress the valve and close the valve. चार ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा? राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा? इसमें राइट जो होगा ऑप्शन सी होगा, कंप्रेस द वॉल्व एंड ओपन द वॉल्व. कंप्रेस द वॉल्व, बल्ब को क्या करना, कंप्रेस करना है एंड उसके बाद क्या, ओपन द वॉल्व. राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी. देखिएगा, जैक्सन प्रेट ड्रेन आल्सो कॉल्ड जेपी ड्रेन इज क्लोज्ड सक्शन मेडिकल डिवाइस दैट इज कॉमनली यूज्ड एज पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेन होता है फॉर कलेक्टिंग बॉडली फ्लूइड्स फ्रॉम सर्जिकल साइट से.
Jackson Pratt then has a soft plastic bulb with a valve, a stopper and a flexible tube attached to it. The drainage end of the tubing, यानी कि flat white part होता है इसमें, placed into surgical site through a small opening near incision. या suture will hold this place. The rest of the tube जो होगा will extend outside the body and will be attached to the bulb. The nurse has to squeeze the bulb when the stopper is open and then close the valve. When the bulb is compressed with the valve is closed. क्या करना, बल्ब इज कंप्रेस एंड बल्ब इज क्लोज, अ कॉन्स्टेंट जेंटल सक्शन इज क्रिएटेड, द पल्स शुड बी कंप्रेस एट ऑल टाइम्स एक्सेप्ट, देखिएगा, वेन द ड्रेनेज बींग इम्पेडेड. तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन जो हुआ डी हुआ, कंप्रेस द बल्ब एंड क्लोज द बल्ब, यानी कि आपको बल्ब को क्या करना, बल्ब को कंप्रेस करना एंड क्लोज करना, यानी डी ऑप्शन इसमें क्या हुआ राइट आया, क्या आया, डी इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट देखिएगा, 42 इयर्स ओल्ड वोमेन विद कैंसर ऑफ ब्रेस्ट अंडरवेंट मैसेक्टोमी एंड जैक्सन प्रैट ड्रेन इज प्लेस टू हेल्प एम्प्टी एक्सेस फ्लूइड्स Fluids from the wound site. The nurse is aware that the Jackson Pratt drain is usually removed when 24-hour drainage volume is equal to or less than. Volume is equal to or less than. चार ऑप्शन दिया गया है. इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे place to help empty excess fluid from the wound site. देखिए 20 ml, 30 ml, 50 ml या 60. या 60 ml, ठीक है ना, राइट आंसर इसमें क्या आएगा आपका, तो ऑप्शन इसमें जो होगा 30 ml आएगा, बी इज करेक्ट आंसर. यानी कि हाउ लॉन्ग द जैक्सन प्रैट ड्रेन हैज टू बी इंसर्टेड डिपेंड्स ऑन द सर्जरी एंड द अमाउंट ऑफ ड्रेनेज. द जैक्सन प्रैट ड्रेन इज यूजुअली रिमूव व्हेन द ड्रेनेज 30 ml और लेस देन 24 आवर. लेस देन क्या है, 24 आवर, लेस देन, ठीक है. यहाँ पे जो बताया है कि रिमूव व्हेन द ड्रेनेज इज 30 ml और लेस देन 24 आवर, 24 घंटे से कम. नेक्स्ट देखिएगा, नर्स रम्या या पैलिटेटिव केयर नर्स इज प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर टू टर्मिनली इल पेशेंट्स ड्यूरिंग द डाइंग एंड ग्रेविंग प्रोसेस. सी इज अवेयर दैट द लिस्ट इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन इन दिस क्लाइंट इज. नर्सिंग इंटरवेंशन इन दिस क्लाइंट इज, चार ऑप्शन दिया गया डियर. इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, कम्फर्ट मेजर्स, प्रोमोशन ऑफ रेस्ट एंड स्लीप, इंक्रीज सेल्फ एस्टीम थ्रू देखिए कॉस्मोटिक इम्प्रूवमेंट या पेन मैनेजमेंट. यहाँ पे पैलिटेटिव केयर नर्स, नर्स रम्या पैलिटेटिव केयर नर्स इज प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर टू टर्मिनली इल पेशेंट्स ड्यूरिंग द डाइंग एंड ग्रीविंग प्रोसेस. तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, इंक्रीज सेल्फ एस्टीम थ्रू ऑस्मोटिक